ये सवाल मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन फिलहाल ईशान त्यागी, तो क्या उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा महाराष्ट्र का? और जिस तरह से मेरे भाई, मेरे मित्र धनंजय गिरी जी और भारतीय जनता पार्टी समय मुगालते में है, उसके लिए मेरे पास केवल दो लाइनें हैं, और वो ये है कि जी चाहता है तो मैं आईना दिखा दूं, जी चाहता है तो मैं आईना दिखा दूं, डरता हूं सच तुम्हें परेशान ना कर दे। तो देखिए, जिस तरह से पूरे देश में और महाराष्ट्र में इस समय एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, ये जो नैतिक हार हुई है एनडीए की या मोदी जी की या बीजेपी की, क्योंकि देखिए चुनाव पूरा मोदी जी के नाम पे लड़ा गया और वोट सिर्फ बीजेपी के लिए मांगे गए, लेकिन सरकार एनडीए की बन गई। तो इस तरह से जो एक प्रतिस्पर्धा इस समय चल रही है वो महाराष्ट्र में भी ये दिखाती है। आप देखेंगे कि शिंदे साहब कह रहे हैं कि 400 पार का जो आपका नारा था वो फेल कर गया, उसकी वजह से लोगों में एक मैसेज गया कि आप आरक्षण खत्म कर देंगे, आप संविधान बदल देंगे, जिस तरह से बीजेपी के नेता। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुमा केसरी। बोल रहे थे उधर अजीत पवार मंत्री पद को ठुकरा देते हैं, उनको मंत्री पद मिल जाता है, वो मंत्री पद मांग रहे थे लेकिन इनको एमओएस देने दे रही थी भारतीय जनता पार्टी, तो वो ठुकरा देते हैं। उस दूसरी तरफ शिवसेना वाले दो मंत्री पद मांग रहे थे, उनको एक एमओएस मिलता है। तो ये जिस तरह से एक गठबंधन में इनके टूट नजर आ रही है, ये बहुत बड़ी दरार है, ये कोई छोटी मोटी दरार नहीं है, ये बहुत बड़ी दरार है। और इसका एक ही कारण है, देखिए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को दो बैसाखियां चाहिए थी सरकार को, एक सरकार चल रही थी गुड गवर्नेंस वाली उद्धव ठाकरे जी की महाविकास अघाड़ी सरकार, उसको गिराने के लिए दो बैसाखियां चाहिए थी। उन्होंने पैसे के दम पे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर करके, भ्रष्टाचारियों के साथ गठबंधन कर करके, दूसरी पार्टियों को तोड़ के, अभी मेरे मित्र कह रहे थे हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते, जोड़ तोड़ की राजनीति का मानक ही आपने स्थापित किया है महाराष्ट्र में। ठीक है, वो सवाल वो तो मैंने उनसे पूछ लिया, अब ये बताइए ना कि आप और, बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, भाई सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रही है, 17 में से 13 सीटें आप लेकर आए हैं, तो कांग्रेस के लिए तो ये बहुत शानदार परफॉर्मेंस है, और नाना पटोले भी कह रहे हैं कि भाई उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। पूजा जी, ये जो परफॉर्मेंस है ये सिर्फ कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी की नहीं है, ये जो परफॉर्मेंस है ये देश ने एक मैसेज दिया है, ये देश ने एक मैंडेट दिया है कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति को, महाराष्ट्र के जो वासी हैं, वोटर हैं, उन्होंने एक मैंडेट दिया है कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति को नकारते हैं, हम भ्रष्टाचारियों की राजनीति को नकारने का हम काम कर रहे हैं। तो अब इसमें महाविकास अघाड़ी में हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी किशोर तिवारी जी कह रहे हैं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ही लड़ा जाना चाहिए चुनाव। नहीं, किशोर तिवारी जी ने एक बात और बोली है कि बड़ा भाई छोटा भाई कोई नहीं होता हमारे यहाँ, और वो बात सत्य है, हमारे यहाँ कोई बड़ा भाई और कोई छोटा भाई नहीं है, हम लोग एक अहम भूमिका निभाएंगे, हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से लोग एक अवधारणा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एमबीए में फूट है, तो सीटों का तो बंटवारा होगा ना, अब उसका क्या फॉर्मूला होगा? पिछले विधानसभा चुनाव के आधार पर जितनी सीटें रही क्या उसके मुताबिक सीट शेयरिंग होगी, या फिर लोकसभा चुनाव के नतीजों को आधार बनाया जाएगा? कुछ तो फॉर्मूला यहाँ अपनाया जाएगा ना जी। पूजा जी, इंडिया गठबंधन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, विनेबिलिटी इज दी ओनली फॉर्मूला, जो कैंडिडेट जिस असेंबली में जिस विधानसभा में, तो फिर तो इसके आधार पर आपको ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, अगर विनेबिलिटी ही फॉर्मूला होना चाहिए। देखिए, कई तरह के सर्वेस होते हैं पूजा जी, जब वो सर्वेस सामने आएंगे, हमारी महाविकास अघाड़ी के जितने भी नेता है वो सामने बैठेंगे, जिसमें जो विनेबिलिटी होगी कैंडिडेट की, उस पार्टी को उतने टिकट्स मिलेंगे और उस कैंडिडेट को टिकट मिलेगी। ठीक है, और हम लोग जो चुनाव लड़ेंगे, चलिए गुलाबचंद।